ठीक है. सो आफ्टर वरादेव रेस्क्यूड द अर्थ और बृहस्पती जो था इसका नाम बृहस्पती इसलिए था क्योंकि लॉर्ड वराह के बाल वहां पे गिरे थे. ओके और वो बालों से कुशाग्रास बन गई थी. अरे वाह, तभी हर पूजा के अंदर कुशाग्रास होना बहुत बहुत घास. कुशा मतलब घास ना, तो कुशा घास के बिना कोई भी यज्ञ होता ही नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट है यज्ञ के लिए. जैसे तो नित्यानंद प्रभु के लिए बोलते हैं ना, जारे देखे तारे कहे दंते त्रिना धोरी, तो जो त्रिना धरते थे नित्यानंद प्रभु दान में वो कुशाग्रास ही होती थी. कुशाग्रास. चलो आगे बताओ. Although he was involved in managing a vast kingdom, he never lost focus on his bhakti. उनके बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी. ओके, he used to hear about Lord Krishna daily in the morning. वो सुबह सुबह भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण सुनते थे. ठीक है, हमेशा थे, उसको समझते थे, लिखते थे, चैंटिंग करते थे. ठीक है, और वो अपना लंबा टाइम जो था 71 दिव्य युगाज तक वो यहाँ पर थे. उन्होंने कभी भी कोई प्रॉब्लम देखी नहीं. हमारी क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, नो मिजरी कैन अफेक्ट अ डिवोटी हु हैज टेकन फुल शेल्टर ऑफ गॉड विदाउट डिस्ट्रैक्शन. इधर उधर भटके बिना जो भगवान की शरण ले लेता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. Manu taught the diverse duties of different sections of human society. His book is called Manu Samhita. तो स्वयंभू मनु ने एक बुक लिखी थी जिसमें हमारी ड्यूटीज क्या क्या है ह्यूमंस की हर वर्ण की, जैसे ब्राह्मणों की क्या ड्यूटी है और जो और जो पुत्रियों का नाम था देवहूति, अकुति और प्रसूति. ठीक है, अब कंबल में आ जाओ बेटा, ठंड लग रही होगी ना आपको. अभी स्टोरी के बाद आप भी इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ. मुझे बैठने नहीं दे रही वहां पर. ठीक है ठीक है, कंटिन्यू. हां हरे कृष्णा. और उनके जो दो बेटे थे उनका नाम था प्रियव्रत पुत्र थे उत्तानपाद. कौन से उत्तानपाद मरण है वो अपना नाम भूल गई मैं. किनका स्टोरी होता है उत्तानपाद के बेटे कौन थे? ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज. ध्रुव महाराज का स्टोरी नहीं सुनते थे? उनकी दो बीवियां थी उत्तानपाद को अपने जो दूसरी पत्नी थी उनके बेटे प्रिय थे. एक बार गोद में थे, ध्रुव महाराज ने कहा गोद में बैठना है, तो उनकी माता ने कहा कि मेरे बेटे बन के आओगे तो बैठने को मिलेगा. फिर वो चले गए थे वन में तपस्या करने. मेरे बेटे बन के आओगे मतलब मैं आपको सुनाऊंगी स्टोरी भी. तो अकुति की जो विवाह था वो रुचि से हुआ, रुचि सेज रुचि से. प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ. प्रसूति मतलब शिव जी की सती माता की मैया प्रसूति. ठीक है, और देवहूति जो है उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ. ठीक है, कर्दम मुनि जो थे वो लॉर्ड ब्रह्मा के ही बेटे हैं. ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि विवाह करो, अच्छे बच्चे होंगे आपके और यूनिवर्स में और भी अच्छी सोल्स आएंगी. ठीक है, बिफोर एंटरिंग मैरिड लाइफ कर्दम वर्शिप लॉर्ड विष्णु के अ लेक कॉल्ड बिंदु सरोवर. बिंदु सरोवर के आसपास सरस्वती रिवर थी और बिंदु सरोवर के पास बैठ के उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या करी थी. नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय, सो क्यूट, वेरी गुड. फिर वो अपने मन में कीर्तन भी करते थे, नारायण नारायण हरि हरि वासुदेवाय. ऐसे ही किया था उन्होंने, है ना. उसके बाद सोए नहीं थे ऐसे वो, मगर हम लाएंगे पानी जल अपनी साध्विका रानी के लिए. एक मिनट दे दीजिए, बस जल भर लूंगा. आप भी जल ग्रहण करें. जय राधे. जय प्रभुपाद. मैडम जल पियो. बोलो पिताजी को. तपस्या करके थक गया साध्विका रानी. आराम से, आराम से बेटा. बड़ा ग्लास इसके लिए. ओके. हम कुशलम अश्मी. बोलो हम कुशलम अश्मी. और पीना है? आराम से पीना, आराम से. चलो बोलो. सो वहां पे बहुत सुंदर फूल भी थे और फल भी थे. ओके. आसपास में बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स थी, जैसे कि पिकॉक्स, कुकूज, स्वान्स, ऑस्प्रेज, क्रेन्स, चकोरास, बीज, ये सब बहुत सुंदर सुंदर थे. स्पैरो को क्या बोलते हैं? चटका. चटका चटका से चटका. साधु करियो ओम नमो भगवते. अच्छा मत करो. Sages used to meditate and worship in peaceful places away from passion. So, जो तपस्या करी होती है ना वो अलग. कहाँ पे इसके bangles? कहाँ पे अब दादी मिल जाता हूँ? नहीं. शांत होएगी ऐसे. क्या हुआ? स्टोरी खत्म करता हूँ. अभी हमें नित्यानंद स्टोरी भी पढ़नी है ना. महाप्रभु फिर अगे भी करना है ना. वन मिनट. ओके. Pleased with his devotion, Lord Vishnu appeared in front of Kardama Muni. Unki bhakti se prasann hoke Bhagwan Vishnu aage darshan dene. The Lord was effulgent as a sun, surya ke saman tejasvi prakash tha. Unke unhone white color ke lotus ki mala pehni thi, yellow color ke garments kapde pehne the. Unke baalon ke ghungrale ghungrale baal unke कमल मुख के ऊपर उनके घुंघराले बाल आ रहे थे और उन्होंने बहुत सुंदर मुकुट पहना था, बहुत एकदम चमकदार इयररिंग्स पहने थे. उन्होंने शंख चक्र गदा चार हाथों में पकड़ा था. बहुत अच्छे कड़े पहने थे. और याद दिला दो. He was endowed with Shri Vatsa mark on his chest. उनकी चेस्ट में मार्क था और जैसा आपने बोला कौस्तुभ मणि थी उनके गले के पास. ठीक है. और वो ऑन द शोल्डर ऑफ गरुड़ा, गरुड़ा के ऊपर वो बैठे थे और जो कि उनके एकदम जॉयफुल हो गए और हाथ जोड़ के उन्होंने प्रेयर्स करना शुरू करा. हे मेरे भगवान, माय आईज हैव बिकम सक्सेसफुल बाय सीइंग यू. मेरी आंखें आज एकदम उनका अच्छा प्रयोग हुआ आपको देखकर. माय फादर ब्रह्मा इंस्ट्रक्टेड टू मैरी एंड क्रिएट गुड प्रोजेनी. मेरे पिता ने बोला है कि विवाह करो और उसके बाद अच्छे बच्चों की उत्पत्ति करो. देयरफॉर आई वर्शिप यू टू मैरी अ गर्ल
ऑफलाइन डिस्पोजिशन मुझे एक अच्छी लड़की बताइए जिससे मैं विवाह कर सकूं। ब्रह्मा आल्सो वर्क अंडर योर इंस्ट्रक्शन, ब्रह्मा देव भी आपकी आज्ञा मानते हैं, देयरफॉर मेरी इच्छा है विवाह करने की और आगे यूनिवर्स में और अच्छी सोल्स को लाने की। इसको हम यहीं पे आज विराम देंगे, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। तो फिर अभी देवहूति की लेके आएंगे फिर वो, अभी तो ब्रह्मा जी अभी तो वो कृष्णा बताएंगे, फिर देवहूति का टेस्ट होता है। ये वाली दूसरे वाली, अभी ये वाली किताब पढ़ेंगे हम, पंच तत्व। पंच तत्व बच्चों के लिए स्टोरीज होती है ना इसमें, हीरोज ऑफ द, अच्छा पंच तत्व हीरोज, पंच तत्व में बच्चों की स्टोरी होती है, पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु की कहानी। और ये अभी हमने पढ़ी भागवतम टेल्स टू इंस्पायर्ड यंग माइंड्स, गौरंगा दर्शन दास द्वारा रचित 33 कहानियां, ध्रुव सिया सीता सिया सती ब्रह्मा व्यास नारद परीक्षित अदर्श। हरि बोल। लॉर्ड नित्यानंद जी को लक्ष्मणा, कन्हैया को बलरामा, जय नित्यानंद रामा, जय आदि गुरु बलरामा। साधु बोलियो, जय नित्यानंद रामा, जय आदि गुरु बलरामा, जय श्री राम। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड नित्यानंद एज लॉर्ड बलरामा, और वो प्रभुपाद का वो होता है ना भजन, याद है निमाई के भाई है इसलिए एक जैसे ही लगते हैं साधु को। ये निमाई, ये निमाई होते हैं, ये निताई होते हैं। बोलो निमाई निताई, बोलो निमाई निताई, बोलो ठाकुर, ये पंडित जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। पढ़ लू एक मिनट बेटा, चलो अभी हम पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का वो आता है एक भजन, हरि हरि कौशलेय जनम भवानी नो, उसमें भी आता है लॉर्ड बलरामा इज नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ ऑल डिवोटीज। बलराम जी कौन है, हमारे सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलो आगे बोलो, कोई नहीं पढ़ते ना, नहीं बोलो तो ऐसी करेगी। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, क्या बोलिए जय सचिनंदन गौर हरी, क्या है राम बलराम, ठीक है, immense strength and power बलराम, उनके पास इतनी शक्ति है बल की, वो है ना बल के, वो क्या धनी बलराम जी धनी, बल को कृपा को बलराम जी धनी धनी बल को। देखो हल पड़ा है, पकड़ा है ना बल है, क्योंकि नित्यानंदा करुणा को किसको कृपा को तो उनके पास इतना बल और इतनी शक्ति है कि हमारा जो ब्रह्मांड की जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे डरती है कि मैं भक्तों के पास नहीं जाऊंगी, बलराम जी पिट्टी कर देंगे, ठीक है। लॉर्ड बलराम आ रिप्रेजेंट, अभी देते एक मिनट पढ़ लू मैं, पढ़ो हाँ अभी देंगे, पहले पहले स्टोरी फिनिश हो जाए फिर लाएंगे, ओके चलो। लॉर्ड बलराम रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ इन आवर लाइफ, आदि गुरु बलराम, ठीक है। देयरफॉर लॉर्ड नित्यानंद आल्सो रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल मास्टर, वो भी हमारे आदि गुरु है। इन द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ वृंदावन लॉर्ड बलराम अपीयर्ड एज द सन ऑफ रोहिणी देवी, वन ऑफ द वाइव्स ऑफ वासुदेव। तो वसुदेव की जो एक एक वसुदेव की देव की तो है ना वाइफ, उनकी एक वाइफ है रोहिणी माता, रोहिणी माता के पुत्र बलराम जी हैं, ठीक है। लॉर्ड बलराम अपीयर्ड 15 डेज बिफोर हिज ब्रदर कृष्णा, कृष्णा के 15 दिन पहले किनका जन्म हुआ था, हाँ।
overstayed in his mother's womb for a long period and was extra strong and powerful. वो अपनी माता के गर्भ में ना 9 महीने से भी ज्यादा थे इसलिए वो बहुत शक्तिशाली है. वो नहीं पता तो माता के गर्भ में थे ही नहीं, वो तो प्रसाद से आए थे. चलो आगे बढ़ते हैं. कृष्ण बलराम grew up together as brothers and Raja and performed many wondrous pastimes together. वो दोनों एक साथ बड़े हुए थे, वो साथ साथ राक्षसों को मारते थे, मटकी तोड़ के माखन चुरा लेते थे और उन्होंने मोतियों की खेती भी करी थी और वो अलग अलग ड्रेसेस पहन के मस्ती भी करते थे. खा लेता आज खा क्या खा लेते हैं माखन. जैसे एक बार वो कृष्णा वो भी बने थे वो लेने के लिए कर वसूली करने के लिए ना. The two brothers had done it all. उन दोनों भाइयों ने सब किया है साथ में मस्ती. अच्छे कितने अच्छे खाओ. These brothers, Krishna and Balaram, were like two moons illuminating the darkness of the world. And they captured the heart of every single person in Vrindavan. जो कृष्ण बलराम थे दोनों भाई ऐसे लगते थे जैसे सूर्य चंद्र के समान तेजस्वी और इतने प्रकाशित होते थे और सब लोगों के लेके प्यारे मनमोहन आते है ना. They were the same. वो दोनों एक ही हैं. कृष्णा इज बलराम एंड बलराम इज कृष्णा. The only difference is Krishna is kale and Balram is gore. Okay. एक interesting fact है, Lord Balram also expand himself to be garments and jewelry of Krishna. जो भगवान जी वस्त्र और ज्वेलरी पहनते हैं ना वो actually Balram जी का ही एक अवतार है. ठीक है. He has the earring, necklace, bangle, dhoti that Krishna wears. He always wishes to be close to his loving brother. वो हमेशा अपने भाई के पास रहना चाहते हैं. कान में भी बलराम है जिन पे चढ़े हैं. पढ़ना नहीं हो रहा है. सॉरी. लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम में दृश्य दिखा रहा था. लॉर्ड कृष्णा एंड बलराम अपीयर टुगेदर एज ब्रदर्स मेनी टाइम. वो बहुत बार एक दूसरे के भाई बनकर आए हैं. त्रेता युग में जब भगवान राम बने थे कृष्ण तो लक्ष्मण बने थे बलराम. द्वापर में लॉर्ड कृष्ण और लॉर्ड बलराम बन के आए. फाइनली कलयुग में वो आए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा बन के. देयर इज अ स्पेशल रीजन फॉर लॉर्ड नित्यानंद अपीयर बिफोर लॉर्ड चैतन्य अपीयर्ड ऑन अर्थ. हमेशा महाप्रभु कृष्णा के आने से पहले बलराम आ जाते हैं. क्यों आते हैं? एक बार लक्ष्मण जी बांधने. हां करेक्ट. तो जब कृष्णा आते हैं ना एज लॉर्ड रामा, लक्ष्मणा वाज यंगर देन हिम, वो उससे छोटे थे. Therefore, जब लॉर्ड राम would always put everyone's wellness before his own and risk his life for other, लक्ष्मण could not correct him since राम was the elder brother. अभी क्या, अभी राम जी जो थे वो बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटे थे. राम जी हमेशा अपने अपने बारे में नहीं सोच के बाकी सबके बारे में सोचते थे. कई बार अपने प्राणों को भी वो कर देते थे, मतलब भगवान है लेकिन वो मनुष्य रूप में आए थे ना. तो लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि राम जी तो बड़े भाई थे. तो लक्ष्मण जी ने बोला कि अगली बार ना जब आएंगे ना तो मैं बड़ा बन के आऊंगा. ओके. ताकि मैं आपको बताऊं कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो बलराम बड़े थे कृष्ण से. कोई भी बात होती राम जी कहते थे बड़ा कौन है. तो फिर बलराम ने बड़े बन के आए, बोले बड़ा कौन है, मेरी सेवा लेनी पड़ेगी. नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट हु लॉर्ड नित्यानंदा इज, यू आर गोइंग टू लर्न अ स्पेशल पासिंग अबाउट एंड गेट रेडी बिकॉज़ दिस इज अ फनी वन. कल पढ़ेंगे जगाई मधाई. जगाई मधाई बोलो, जगाई मधाई दोनों को उतारे अपने निमाय निताई. तो संस्कृति को बचाना है तो गीता पढ़ते जाना है. गर्व से कहो काना के हैं वृंदावन बसाना के हैं. तन 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 हो गया. हरि बोल. चलो हाजी करना है जल्दी से भगवान जी को.